I love Billy. इसका बहुत हुआ, अब तुझे फेंकने की बारी आ गई है। चल तुझे तेरी असली जगह दिखाती हूँ, ऐसी जगह पे फेंक दूंगी ना वापस नहीं आएगा तो। अरे अरे अरे, क्यों इस खूबसूरत टेडी बियर को फेंक रही हो शर्मिला? नलायक है, फेंक रही हूँ मैं इसको। मत फेंको, यही आया था क्या उस दिन वो इतने बड़े बॉक्स में? हाँ, टेडी डे के पहले ही तुम्हें किसने टेडी दिया है? भाभी कितना ब्यूटीफुल है ये पांडा, कितना क्यूट दिख रहा है, क्या कर रहे हो आप उसके साथ? शीला दूर रहो इससे, मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। वाह भाभी कितना प्यारा है वो, उसको फेंकिए मत, मैं रख लेती हूँ। ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है इसलिए मैं इसको फेंक रही हूँ शीला। ओह शीला इट्स वेरी डेंजरस। डेंजरस? किस एंगल से आपको डेंजरस दिख रहा है मामी? मैं रख लेती हूँ इसको, आप मत रखो। समझिए इसको कुछ तो भाभी। नहीं शीला कुछ नहीं होगा, आप दो मुझे, कितना क्यूट है। अभी जिससे कम है। चल मेरे साथ, तेरा नाम मैं क्या रखूं? क्यूटी पाय, अच्छा लगा? शीला छोड़, ए बैंगलेट छोड़, शादी शुद्ध है वो भी, ए फुसके। शीला क्या कर रही हो? शीला शीला क्या नौटंकी कर रही थी? ये नौटंकी नहीं कर रही थी अभिजीत, उसने बस मेरा गला पकड़ लिया। तो की बात मत करो, मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ, ये कैसे तुम्हारा गला दबा सकता है? कुछ भी बात करती हूँ। तू छोड़, इतनी हिम्मत? हाँ तू सबको ऐसा डरा रहा है ना लायक, ऐसी आंखें मत दिखा, आंखें निकल के गोटियां खिलूंगी मैं उससे, समझ गया? देख तेरी दोस्त दोस्ती खत्म, अभी तेरी विल्लेवाट लगाती हूँ। चल तुम ठीक हो? तुम? मैं ठीक हूँ। उस टेडी ने तो डरा ही दिया, वापस ना आ जाए बस। चिंता मत कीजिए, मैंने उसे बहुत दूर फेंक दिया, अब वो वापस नहीं आएगा। पर ये टेडी आखिर रखा किसने और ये तुमको भेजा किसने? ये सब डायन कर रही है। मजाक अच्छा था डायन? मजाक नहीं कर रही सुमित्रा, सच में ये डायन का काम है। अरे बाबा, ये यहाँ पे किसने रोक दिया? शायद बच्चे खेल रहे होंगे और खेलते खेलते इसको यहीं पे भूल गए। पर बच्चों का तो आवाज ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, इसको लेके जाती हूँ, अगर कोई आ गया तो दे दूंगी। ओह कितना प्यारा है, किसने तुझे यहाँ पे छोड़ दिया? कौन है वो बदमाश? जरा मुझे उसका नाम बता दे, मैं तुझे लेके जाऊंगी मेरे घर। देखने में बड़ा सॉफ्ट है और उतना ही भारी है, एक तो इतनी सीढ़ियां। 5 मिनट अभी इधर बैठ, मैं दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? चाबी कहाँ रखती है? कहाँ चला गया? गिर गया, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया तुम कब गिर गए। कोई बात नहीं, रुको। यस सर, हाँ मैंने वो फाइल भर दी है। हाँ सर, हाँ नहीं मैंने उसको जेनिफर को दे दिया। हाँ ठीक है सर, ओके। अब कहाँ चला गया?
मुझे ऐसा लगता है इसको जहाँ पे है वही पे रहने देना चाहिए। मैं चलती हूँ घर। सच में कितना अजीब था वो तेरी। मैं उसको जहाँ जहाँ रख रही थी वहां से वो भाग रहा था। What happened, Miss Beautiful? वो मेरा पीछा कर रहा है। अभिजीत लग गया क्या पीछे? मुझे ऐसा लगता है शर्वरी जी मजाक कर रही होंगी। शॉर्ट मिला जी, मजाक करने का समय नहीं है। आई एम वेरी सीरियस। कौन है वो इंसान जो आपके पीछे पड़ा था? ना ना कोई इंसान नहीं है, कुत्ता होगा। मैंने रख लिया चुचुंदरी, चुप बैठ जरा। बोल मिस ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, पर वो इंसान नहीं है। क्या बात कर रही हो शर्वरी जी, फिर कौन था? शायद आप मेरे ऊपर हंसोगे पर वो एक टेडी है। टेडी? वो आ गया, वो आ गया। क्या हुआ? किस टाइप का टेडी था? टेडी पांडा है। वो सारी हदें पार कर रही है, मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा। अभी मैं उसे खुली चेतावनी दूंगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये जो कुछ भी कर रही है वो जानबूझ के कर रही है। क्या बात कर रही हो शर्मिला जी? डायन कर रही है सर। अभी मैं उसको खुला चैलेंज देती हूँ। ए रोक बहू, उसको चैलेंज मत कर। या बहू, जा मत, जा मत। क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ? मैं तुझे बुला रही हूँ, हिम्मत है तो आ जा। आ यही आएगा डायन। क्या हुआ? अपना चेहरा नहीं दिखाओगी या बुरे काम करने की वजह से इतना बुरा लग रहा है कि तू अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं बची? बस ताई। मैं? ये इसकी बहन है? बस। कोई बुरा काम नहीं करती मैं, आपको सब पता है। अच्छा, तू कभी बुरा नहीं करती, फिर मेरे पति के साथ क्या किया? विकास के साथ क्या किया? वॉचमैन के साथ क्या किया? चंद्र के साथ क्या किया? और पता नहीं किस किस के साथ। हाँ, दामाद जी तो रह गए, उनको इतने डर आया। पता था इसका खानदान चुड़ैलों का शैतानों का है, आज दिख भी गया। आपको तो पता है ना मुझे डर कितना अच्छा लगता है, और खास करके लोगों के अंदर जो डर होता है वो। I like it. क्यों आइए बोल ताई, अपनी बहन का कोई ऐसा स्वागत करता है? इसकी सारी बहनें काली साड़ियां क्यों पहनती है? सब काले जात में माए रहते। मुझे लगा आप मुझे आपके घर लेके जाओगे, तूप रोटी खिलाओगे, पर यहाँ पे तो आपने सीधा मुझसे सवाल ही पूछ दिया, क्यों आई हो? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। नहीं पता मुझे। वाह, कितना मासूम बनती हो ना, बचपन से ऐसी हो। पर मुझे आपका काला सच सब पता होता है, बचपन में भी और आप भी। जाने दो ना, काम की बात करते हैं। मुझे जो चाहिए वो आप दोगी, तेरा काम मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। कितना छुपाओगे? जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए। आपके घर चलते हैं। सबसे पहले तूने जिन जिन के ऊपर जादू किया है वो सब जादू निकाल दे। ठीक है ठीक है, मैंने जिन जिन लोगों के ऊपर जादू किया हटा देती हूँ। हो गया सब नॉर्मल, अब घर चले। चल, इधर में चढ़ी थी ताई, इसके ऊपर क्या, छत के ऊपर भी चढ़, मुझे क्या करना है? मिस ब्यूटीफुल तू जा, तू अंदर मत आ, तेरे जान को खतरा है। मैं तो क्या कुछ दिन की मेहमान, तुझे अभी बहुत जीना है। हेलो, वेलकम टावर सोसाइटी। वैसे आपके बालों का राज क्या है? आई लव योर हेयर। 4 लीटर खून रोज आपका अच्छा होगा। मजाक कर रहे हो? आजा आ जाओ। मोरमी लाइफ से बहुत अच्छी है,
उर्मिला। ताई, आपके घर की खुशबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो मैं क्या करूं? कितनी ज्यादा बदबू है छे। बदबू नहीं, खुशबू। गटर में रहती है क्या ये? मुझे ही देख रही है। दांत मत निकल मेरे सामने, काम की बात कर। काम तो आपको पता है, मुझे आपकी परमिशन चाहिए मेरा मकसद पूरा करने के लिए। आपको मेरा मकसद पता है। तेरा जो मकसद है ना, वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दोगी? मैं अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे करती हूँ तू अपना मकसद पूरा। तेरी इसी हरकतों की वजह से आज ये तेरी हालत हो चुकी है। कोई तुझे घर में नहीं लेता, मैं आज तुझे दरवाजे के आगे भी खड़ा नहीं करती, वहीं से भगा देती है। बचपन से तू ऐसी है, कभी किसी की नहीं सुनी तूने, बस खुद की और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जहां भी जाती थी कुछ ना कुछ अपशकुन कर देती थी। तेरे हाथ में सब कुछ है, तू चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकती है, पर तुझे कुछ ठीक नहीं करना, तुझे बस बर्बाद करना है। मां चाहती थी तू अपनी शक्ति अच्छे कामों के लिए यूज करे, पर नहीं, तुझे हमेशा खुद की मनमानी करनी थी। इसीलिए तुझे शाप भी मिला है कि तेरी कभी शादी नहीं होगी और तू किसी से शादी नहीं कर सकेगी। ताई, ओहो क्या क्लास चल रहा है, चुप से मिसिंग। मुझे मजबूर मत कीजिए मेरी शक्तियां आपके ऊपर चलाने के लिए। कर अपना ये जादू मेरे ऊपर भी कर, मैं भी कम नहीं हूं, तेरी बहन हूं और वो भी बड़ी। समझाइए ना, समझाइए। चुप बैठना मैनरलेस, तेरे साथ साथ मेरा भी पत्ता कट जाएगा इस दुनिया से। पहला ही मेरा पत्ता मुरझा गया है, बस झड़ने का देर है, ये तो काट देगी मैं। तेरा मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तो आप नहीं मानोगे? नहीं, कहा ना मैंने। ठीक है, अभी मैं मेरा मकसद मेरे तरीके से पूरा करूंगी। ये बहनों बहनों के चक्कर में आटे की जैसे मैं पिस रही हूं। मेरे ऊपर जादू करने से पहले एक बार सोच ले, मैंने तेरी हेल्प की है बचपन में, अगर मैं नहीं होती ना तो आज तू यहाँ पे खड़ी नहीं होती। मेरी वजह से माँ रुक गई, कुछ नहीं किया, याद कर वो दिन। अगर तुझे इतना एहसान फरामोश होना है तो कर मेरे ऊपर जादू। आई एम रेडी। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं आपकी भलाई चाहती थी, पर कोई नहीं, आपको अगर यही सही लगता है तो कीजिए, मैं वापस आऊंगी मेरा मकसद पूरा करने के लिए। तेरा मकसद मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। कब तक ऐसा नहीं होने दोगे? एक साल, दो साल, तीन साल, उसके बाद तो चीजें अपने आप बदलने लग जाएंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगी। वो तो वक्त बताएगा। जा जल्दी। जा रही। आपके पास दो तीन सालों का समय है, उसको एंजॉय कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी तब।